गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राजेश्वरी भाटिया आप सब घर पर सेफ होंगे। आज हम हिंदी वन का लेसन नंबर 5 सीखेंगे। लेसन का नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम। बाल मन यानी स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों का जो दिमाग है मन, उसकी बात है। ये लोग सवाल करते हैं किससे, हमारे जो राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में। ये लेसन शुरू करने से पहले और ये लेसन नंबर पार्ट 1 यहाँ पर देख लेना। आपको हमेशा बोला है कि पार्ट 1 या 2 यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में पहले थोड़ी सी बात जो है वो बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो उनका जो नाम है बहुत शॉर्ट में बोला जाता है APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम जो है डॉक्टर अबुल पाकी जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम, पापा का नाम है और उनका नाम है अबुल पाकी। वो मुसलमान थे, जो फैमिली से है और वो हमारे 11th राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक उन्होंने काम किया है। हम उनको मिसाइल मैन के हिसाब से भी जानते हैं और उन्होंने इसरो और DRDO में काम किया है। उन्होंने बॉर्न है उसकी डेट भी लिखी गई है, 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 मिसलोंग मेघालय में हुई थी। ये जो है वो उनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि जो APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और छोटी सी बात कि जब वो छोटे थे तो बहुत ही सामान्य परिवार से थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। वो रामेश्वरम जी जब रहते थे, उनके माता पिता जो है वो बोट बनाने का काम करते थे, लकड़ी की जो बोट आती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो दरिया ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ समुद्र है, वहाँ पर वो बोट बनाने का काम करते थे। और अब्दुल कलाम ने खुद न्यूज़पेपर जो है वो डालते हैं, डिलीवरी बॉय जो होता है उसका काम किया हुआ है। उनकी पहली जो सैलरी है वो उनको उसमें से मिली है। और बहुत सारी मुसीबतों के बाद जो होशियारी जो दिमाग की होती है वो आपको कहाँ एक सामान्य परिवार का न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का और कहाँ हमारे प्रेसिडेंट, बहुत लंबा सफ़र और बहुत सुंदर जो जिसमें एबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये हमें अब्दुल कलाम जी सिखाते हैं। और वो मुसलमान परिवार से थे, जो लोग ऊंच नीच के भेदभाव रखते हैं तो कभी कभी उनको वो चीज़ें भी फेस करनी पड़ती थी, पर वो बाद में कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप सब जानते हो। उनका नाम जो है बहुत ऊंचा और बहुत ऊपर है, वो अभी हमारे बीच में नहीं है, परंतु हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है कि सब लोग उनको याद करते हैं। और मिसाइल का जो परीक्षण है वो उन्होंने अंतरिक्ष पर कार्य किया हुआ है और पहली जो मिसाइल है उन्होंने बताई थी और उसका परीक्षण भी किया गया था। ये थे अब्दुल कलाम के बारे में प्राइमरी इंस्ट्रक्शन। ये जो है वो आपको याद रखना है, बाद में बोर्ड पर मैं आपको लिखने का समय भी दूंगी। अब जो है हमारे लेसन की बात करें तो हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुति और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू डॉक्टर अबुल पाकी जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहे। अब जो बच्चे हैं उनके पास हो गए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है कि बच्चों को जिज्ञासा, अंदर से जो वृत्ति होती है जानने की वृत्ति को जिज्ञासा कहते हैं। और बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके उन्होंने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल लग नहीं रहा कि वो राष्ट्रपति है, एकदम नॉर्मल आंसर जो बच्चे समझ सके उस भाषा में ये पूरा जो लेसन है वो बहुत ही सुंदर है। आपको भी जो है पता चलेगा कि अगर आप किसके पास जाते हो तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर किस तरह से होते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। प्रश्नकर्ता क्वेश्चन जो पूछता है वो है आर
यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन उदाहरण दिया। वो ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब जो शिक्षक है आपको पढ़ाता है, पर प्रैक्टिकली जो नॉलेज मिलता है उसके बाद ये कुछ अलग होती है। उन्होंने अपने फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक अनुभव था, वो बताया कि उनके जो शिक्षक है उनका नाम है सिर सुब्रमण्यम अय्यर। वो उनको एक घटना बता रहे थे कि पक्षी उड़ता कैसे है, साइंटिफिक विज्ञान का जो पीरियड चल रहा है कि किस तरह से उड़ता है। तो वो चीज़ जो उन्होंने क्लास में तो उनको बता दी, पर वो चीज़ क्लियर में प्रैक्टिकली बताने के लिए वो वहाँ ले गए। तो समुद्र के किनारे रामेश्वर का जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है, और वहाँ पर ले गए और उन्होंने बताया कि किस तरह से पक्षी जो है वो उड़ता है। वो जो चीज़ उनको बताई है कि उन्हें भी अपने साकार अपने जो है वो साकार करने थे। पक्षी जैसे उड़ता है वैसे ही उन्हें उड़ना था। वो जो चीज़ है उनके मन और मस्तिष्क पर बैठ गई और उन्हें उसी से उन्हें प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्होंने मिसाइल और अंतरिक्ष के ऊपर जो है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग का काम किया है। तो वो तब से उन्हें प्रेरणा मिली कि ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, उनको आगे किस लाइन में जाना है, यहाँ उनको अपना ध्येय बनाना है, वहाँ से ही उनको प्रेरणा मिली। वो जो चीज़ थी उनकी लाइफ जहाँ से चेंज हो जाती है वो उनके दिमाग में बैठ जाती, वो घटना उन्होंने सुनी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सरयू मकर कक्षा फिफ्थ का लड़का है, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक सालाना। अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं और अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता दी जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए भी बहुत काम का है। बोलते हैं कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तब कौन सी भाषा को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इसका जो आंसर है वो बहुत ही सुंदर उन्होंने दिया है। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई की है, अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है, कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के संस्थानों में हुई। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यमिक में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इससे कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की उत्तर आवश्यकता है। इसको आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। ये उन्होंने माध्यमिक यानी सेकेंडरी तक की जो पढ़ाई थी वो खुद की अपनी मातृभाषा में ही की थी। उनकी मातृभाषा दूरी तब थी के अब्दुल कलाम जो थे वो रामेश्वरम में थे, तो मद्रास की महात्मा की जो भी भाषा होती उसी में उन्होंने पढ़ाई की थी। इसीलिए हमें भी प्रायोरिटी कौन सी भाषा को देने के लिए कह रहे हैं, मातृभाषा। हमारी मातृभाषा जो भी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस जो चीज हमारे घर में बोली जाती है, वह भाषा को प्रायोरिटी देने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? अगर मैं आपको एक कॉम्पो लिखने के लिए देती हूँ, मैं आपको बोलूँगी कि आप एक मोर के ऊपर या अपनी माँ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर के अपने सपने के बारे में मुझे लिख कर बताइए या फिर बोलिए, तो अगर मैं बोलूँगी आप कि गुजराती में बोलो या हिंदी में बोलो तो आप फटाफट से 15 सेंटेंस आराम से बोल पाओगे। पर अगर मैं कहूँगी कि आप इंग्लिश में बोलो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज आप आधे में अटक जाओगे। 4-5 सेंटेंस आपके लिए बहुत हो गए 4-5 सेंटेंस, पर जितना आप अपनी लैंग्वेज में करते हो या बोल पाते हो उतना आप अदर लैंग्वेज में नहीं। जब तक आप छोटे होते हो तब तक की बात है, फिर आपकी जब लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाती है तब आप किसी भी भाषा में कोशिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंसान जो सोचता है, हम कभी इंग्लिश में सोचते हैं जितना हम जब सोते हैं तब इंग्लिश में सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सोचते हैं सोचते हैं यस आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो नहीं मैं बस जाऊँगा ये करूँगा वो करूँगा
अपनी भाषा में सीख सकता है। इसलिए नो डाउट इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने भी सेकेंड के बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और उन्होंने बताया भी है कि जो एक दूसरे अगर हम और कई जगह पर जाते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो सीखना भी आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं सोचना है हमें किसी को हमें मातृभाषा ही अच्छी और मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी। नो, मातृभाषा जो है आपका जॉब तक विकास होता है, क्या आप टेंथ तक जाते हो तब तक आपका जो है मातृभाषा में पढ़ाई करना जरूरी है। इंग्लिश की भी साथ साथ पढ़ाई होनी चाहिए, पर इम्पोर्टेंस जो है हमको मातृभाषा को देना चाहिए। और आपकी अगर 11, 12 या कॉलेज की पढ़ाई भी हो रही है तो उसमें भी मातृभाषा साथ साथ में चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके उससे छूट जाते हो तो वो फिर आपको बाद में थोड़े टाइम बाद जो है वो भूल जाते हो कि मैं कौन सी मेरी मातृभाषा थी। इंग्लिश सीखना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जब बाहर जाओगे तो दैट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, किसी से भी बात करने के लिए वो लैंग्वेज की आपको जरूरत पड़ती है। प्रश्न करता अर्ष पटेल, कक्षा 5, चंद्रा विद्या मंदिर मुंबई। पहला जो था वो मतलब चेन्नई से था, सेकेंड नागपुर से था और थर्ड जो है वो मुंबई से है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? सबका मन होता है कि बड़े इंसान जो होते हैं उसकी तरह वो बने, तो बोलते हैं कि अगर हम भी आपकी तरह बनना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। बाधाओं को दूर करना है।
दृढ़ साहस पैदा करना होगा, आपको साहस जो है उसको दृढ़ करना होगा, आपको ठान लेना है, मुझे ये करना है। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करना होगा, समस्या जो है मुसीबत को आपको हराने के लिए महारत हासिल करना होगा, यानी कि उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ समस्याएं जो आती है, क्यों आती है तो आपको बताने के लिए कि आप इससे ज्यादा कहाँ तक बढ़ सकते हो और आप उसका सामना करोगे तो तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान नॉलेज आपके पास बहुत होना चाहिए, अर्जित करें, यानी कि पाए, नॉलेज जो है वो आपको लेना है। कुछ भी आपको बुक्स जो है वो रेगुलर पढ़ते रहो, अभी तो मोबाइल में भी बहुत सारी नॉलेज की चीज आती है, डिस्कवरी है, आप उन सब चीज़ों को देखो, पर आपका लक्ष्य निर्धारित होने के बाद, अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो आप भटक जाओगे। आपको पहले लक्ष्य जो है, आपकी एज होने पर आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू बी, मुझे क्या बनना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो आगे बढ़ पाओगे नहीं, कहाँ जाओगे आप, रास्ता भटक जाओगे। थोड़े दिन लगेगा मुझे क्रिकेटर बनना है, बैट उठाओगे, थोड़े दिन लग जाए मुझे डॉक्टर बनना है, वो बुक्स पढ़ोगे, वो पढ़ी रहेगी, थोड़े दिन बाद लग जाए मुझे इंजीनियर बनना है, वो बुक पकड़ोगे, नहीं, आपका जो लक्ष्य है वो निश्चित करो और फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी मुंबई, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती। अब हम लोग जो है 2020 तक ये लोगों की डेथ जो है वो 2015 में हो गई थी, पर अब जो है हम विकास के 15 से बाद जो है हमारे देश ने बहुत विकास किया है, पर उनका एक सपना था कि देश के हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी कब होगी, जब उसके पास सारी सुख सुविधाएं होगी तब वो खुश होगा, तो वो सबके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, यही राष्ट्र के समक्ष ये हो कि हमें आज जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो लोग सुखी नहीं हैं, उनके पास जॉब नहीं है, पूरी सुविधाएं नहीं है, तो उसकी वजह से लोग दुखी होते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं मेरे देश के हर एक नागरिक को सुखी कर सकूँ, खुश कर सकूँ। यहाँ तक जो है हमारा पार्ट 1 है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, तब तक इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, बोर्ड पर जो भी है एक बार मैं बताती हूँ, आप लिख लीजिएगा उसको। इसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो आपको स्क्रीनशॉट से मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।